हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला वीवो का V9 और हम देखेंगे इसके कुछ अमेजिंग बॉक्स कंटेंट और इसके बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स। सो लेट्स बिगिन। सो सामने देख लेते हैं तो ये मोबाइल कुछ नॉच वाला मोबाइल दिख रहा है जो आजकल ट्रेंडिंग है। साइड की तरफ देखें तो वीवो का ब्रांड वीवो लिखा हुआ है और इस साइड देखें तो इधर वीवो IPL की ब्रांडिंग मिल जाती है। और पीछे की तरफ आगे देखें तो पीछे की तरफ ऊपर में कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे स्क्रीन का, कैमरे का, रैम का और डिस्प्ले का। और नीचे की तरफ देखें तो मोबाइल के बारे में कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन है, सो जो कि हम अंदर देखेंगे ही, बाकी तो कुछ दिया हुआ है नहीं। सो आइए इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या मिल जाता है इसके बॉक्स कंटेंट में। सो ये बॉक्स अनबॉक्स करने के बाद जो है सामने में दिख जाता है ये वीवो का V9 मोबाइल। सो इसको जो है साइड रखते हैं और देखते हैं हम लोग को बॉक्स कंटेंट में क्या क्या मिलता है। सो इसके ऊपर ये है बॉक्स रखा हुआ है, इसको निकालते हैं। इसके अंदर भी कुछ कंटेंट है, देखा जाए इसमें क्या क्या मिलता है। इसको देखें तो एक तो मिल जाता है हम लोग को मोबाइल का कवर, जो कि एक रबड़ का कवर है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ कवर है मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ट्रांसपेरेंट कवर बहुत ही अच्छा भी लगता है। और दूसरी तरफ देख ले तो ये कुछ मैनुअल गाइड्स या इसे कुछ यूज़र गाइड्स बोल लें, तो इसमें आप लोग को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इस मोबाइल के बारे में बहुत सारी डिटेल मिल जाती है। ये देखें तो ये आपका सिम इजेक्टिंग टूल्स मिल जाता है, वीवो का 1723 मॉडल नेम लिखा हुआ, और इधर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन और ये वारंटी कोड लिखा हुआ मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और बॉक्स कॉन्टेंट क्या है। तो चार्जर की तरफ देखें तो इस चार्जर की रेटिंग देखें तो ये आपको मिल जाती है 5V 2A का चार्जर मिल जाता है, जो कि ठीक है, अच्छा चार्जर मिल गया है। और दूसरा देखें तो ये आपको मिल जाता है, ये केबल आपका है micro USB केबल है ये, हाँ ये आपको मिल जाता है micro USB केबल, जो कि ठीक है, लेकिन टाइप सी चार्जर होता तो और ही अच्छा होता। और ये आपको कुछ बेसिक से ईयरफोन मिल जाते हैं। सो बस और तो कुछ बॉक्स कंटेंट मिलते नहीं। ये आपका 3.5mm जैक है। तो आइए मोबाइल की तरफ आए, मेन कॉन्टैक्ट जो है। सो इसको रैप अच्छे कवर से किया गया है, जो कि इस मोबाइल को प्रोटेक्ट करता है। और इसको निकाल लेते हैं रैप को, रैप करने के बाद ये कुछ ग्लॉसी सा लुक दिखता है, बहुत ही ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है। ऐसे तो एल्युमिनियम बॉडी है, लेकिन ये कुछ प्लास्टिक बॉडी जैसा फील देता है, एकदम बहुत ही चीप फील देता है। सामने की तरफ ये कुछ ऐसा दिखता है। और इसके फिजिकल बॉडी के बारे में बात कर लें तो नीचे आपको मिल जाता है 3.5mm जैक, माइक्रोफोन और micro USB चार्जिंग, और इधर स्पीकर मिल जाता है। चलो अच्छी बात है, इसमें स्पीकर 3.5mm जैक तो दिया है। इस साइड आपको वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाता है, ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। ऊपर की तरफ तो हमको कुछ मिलता नहीं है। और इस साइड की तरफ देख ले तो सिम लगाने की ट्रे दिया हुआ है इधर। इसमें सिम आप दो सिम भी लगा सकते हैं, प्लस आप इसमें जो है मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आजकल फ़ोन में तो हाइब्रिड आता है। और आइए जब तक इसको बूट करते हैं और तब तक इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो इसमें आपको 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है, और इसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाता है 1080x2280p का रेजोल्यूशन मिल जाता है। और इसमें ऊपर नॉच की बात करें तो नॉच के पास आपको मिल जाता है एक 24MP का कैमरा, प्लस आपको एक ईयर पीस भी मिल जाता है ऊपर, और इसका 24MP कैमरा बहुत ही अच्छा है। बैक में बात करें तो बैक में आपको 16+5MP का कैमरा मिल जाता है, प्लस आपको फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है। और इसको मैंने फटाफट से बूट कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है बूट करने में। और इसमें चिपसेट जो लगा हुआ है बहुत ही अच्छा लगा हुआ है, स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 626 चिपसेट लगा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और रही एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड आप में आपको इसमें मिल जाता है ओरियो 8.1 एंड्रॉयड वर्ज़न मिल जाता है आपको, जो कि एक लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्ज़न है। सो ये मोबाइल अब बूट हो चुका है। सामने से देखिए इसका बहुत ही नॉच भी बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, और ऊपर से स्लाइड करने पे कुछ ऐसा स्क्रीन बना हुआ है, बिल्कुल ही एकदम आईफोन की तरह दिया हुआ है इसका नॉच। नॉच में इसमें कट बहुत ही अच्छा दिया, आईफोन से बहुत ही कम नॉच दिया हुआ है इसमें।
इसका स्क्रीन तो बहुत ही अमेजिंग है, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। और बेजललेस की बात करें तो इसमें बहुत ही कम बेजल दिया हुआ है, बेजललेस तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन इसमें बहुत ही कम बेजल दिए हुए हैं। इसने पूरे स्क्रीन का यूज़ किया हुआ है, इसका स्क्रीन रेशियो लगभग 90% यूज़ किया हुआ है इसमें स्क्रीन का। और आइए इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लें। तो इसमें आपको सिस्टम अपडेट, फिंगरप्रिंट, फेस आईडी और भी इसमें सिस्टम अपडेट देखने को मिल जाएगा। और इसमें बैटरी के बारे में भी मिल जाएगा कि बैटरी का स्टेटस क्या है, और भी बहुत सारे चीज़ हैं। तो आइए इसका जो है सेटिंग्स में जाके देखें इसके फ़ोन के फीचर के बारे में, अबाउट फ़ोन में। तो अबाउट फ़ोन में जाने पे दिख जाएगा कि आपको इधर IMEI नंबर और एंड्रॉयड वर्ज़न 8.1 दिया हुआ है। और बात करें तो नीचे जो है रैम की 4GB रैम आपको मिल जाता है और 64GB का स्टोरेज भी मिल जाता है इसमें आपको। ऑल ओवर ये फ़ोन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है, इसका कलर, इसका डिस्प्ले मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और रही बात इसके कैमरे की बात करें तो इसका रेयर कैमरा बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है इसमें। और अपर्चर की बात करें तो f2.0 का अपर्चर है। सो ऑल ओवर ये फ़ोन बहुत ही अच्छा बजट फ़ोन है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हरदम लाता रहता हूँ। सो आज के लिए धन्यवाद।